होम्योपैथी की स्पिरिट की ओर, सोरा के कोर को समझने की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं डॉक्टर कैंट की फिलॉसफी में और देखते हैं उनका एक्सपीरियंस सोरा के कौन से नए राज खोलता है। डॉक्टर कैंट शुरुआत में ही घोषित कर देते हैं कि सोरा ही हर तरह की फिजिकल सिकनेस की शुरुआत है, बल्कि वो तो कहते हैं कि यदि मानव जाति सोरा से संक्रमित नहीं होती तो बाकी के दोनों क्रॉनिक मैनिज्म से संक्रमित होना संभव ही नहीं होता, ना ही एक्यूट डिसीज के लिए हमारे शरीर में कोई ससेप्टिबिलिटी होती। ह्यूमन बींग्स की सारी बीमारियां सोरा मैनिज्म के ऊपर ही पनपती हैं और इसीलिए ये सारी बीमारियों का आधार स्तंभ है। अच्छा, तो यदि बाकी सारी बीमारियों का आधार सोरा है और सोरा ही हमारे अंदर सारी बीमारियों की ससेप्टिबिलिटी पैदा करती है, तो सोरा का आधार क्या है? आखिर एक व्यक्ति सोरा के लिए ससेप्टिबल हो कैसे जाता है? डॉक्टर कैंट बताते हैं कि सोरा ह्यूमन रेस की सबसे पुरानी और सबसे बुनियादी डिसीज है। ये हमारे अंदर एक तरह का डिसबैलेंस है और ये डिसबैलेंस खुद को कई तरह के क्रॉनिक डिसीज के रूप में एक्सप्रेस करता है। यदि मानव जाति अपने अंदर का संतुलन और व्यवस्था बनाए रखती तो सोरा मायाजम कभी पनपता ही नहीं। सोरा के लिए ससेप्टिबिलिटी कैसे आती है, ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है और ये हमें सीधे लेकर जाता है मानव जाति के सबसे पहले गलत कदम की ओर। ये संतुलन बिगड़ता है जब कोई व्यक्ति अपने मॉरल से नीचे गिरकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी से नीचे गिरकर अपना पहला गलत कदम बढ़ाता है अनैतिकता की ओर, और यहीं से वो ससेप्टिबल हो जाता है सोरा के लिए। सोरा सब्सटेंशियल है और अगर हम सोरा को मात्र एक तरह की इच समझते हैं तो हम डॉक्टर हैनेमैन के सोरा शब्द का एक्चुअल इंटेंशन समझ ही नहीं सकते। इच तो एक सुपरफिशियल सिम्टम है, एक लिमिटेड कंडीशन जो एक छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म के काटने से भी हो जाती है और उस ऑर्गेनिज्म को मार देने से समझा जाता है कि इच का कॉज भी खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर हैनेमैन के सोरा का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। सोरा ना तो कभी सुपरफिशियल है और ना ही लिमिटेड, एक छोटे से सिम्टम से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है ये सोरा मैनिज्म, जैसे एपिलेप्सी, इंसैनिटी, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर्स, अल्सर्स, कैटार्स और कई तरह के इरप्शंस। ये मायाजम सिंपल स्टेट से ग्रेट कॉम्प्लेक्स स्टेट तक पहुंच जाता है। ऑर्डिनरी फिजिशियन जब इसे सुपरफिशियल समझकर इसे सरफेस से हटाने की कोशिश करता है तो उसके फॉल्टी ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट में सोरा की जड़ें और भी मजबूत हो जाती है। डॉक्टर कैंट कहते हैं कि एक तरफ आप दुनिया की पॉपुलेशन को देखें, दूसरी तरफ ये देखें कि इतनी बड़ी जनसंख्या में से कितने लोग मैच्योर एज तक पहुंच पाते हैं और कितने ही कम उम्र में ही बीमारी से चल बसते हैं, सोरा से उपजने वाली अनगिनत बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कितने ही इन्फेंट्स अपनी जान गंवाते हैं कंजनेटल डेबिलिटीज के कारण, प्रीमैच्योरिटी के कारण, मरास्मस के कारण। इन सब बीमारियों की जड़ ये क्रॉनिक मायाजम्स ही तो है, लेकिन इनमें से भी प्रिंसिपल अंडरलाइन कॉज है सोरा, उसके बाद सिफिलिस और फिर साइकोसिस। डॉक्टर हैनेमैन के डिसीज क्लासिफिकेशन से पहले डिसीज के हर फॉर्म को अलग नाम दिया जाता था और उसे बाकियों से अलग समझा जाता था, जैसे एपिलेप्सी के स्ट्राइकिंग फीचर्स को एक साथ किया और एपिलेप्सी को एक अलग डिसीज कह दिया गया, जबकि एपिलेप्सी अपने आप में कोई डिसीज नहीं है बल्कि ये डिसीज स्टेट का एक सिम्टम है जो हमेशा अलग अलग तरह से खुद को प्रदर्शित करती है। हर व्यक्ति का एपिलेप्टिक अटैक दूसरे व्यक्ति के एपिलेप्टिक अटैक से अलग होता है, लेकिन एपिलेप्सी, इंसैनिटी, डायबिटीज, कैंसर, ब्राइट्स डिसीज, ये सब शरीर की बीमार अवस्था को दर्शाने के सिम्टम्स हैं, न कि खुद एक बीमारी। इन सब की एक बिगनिंग होती है मायाजम्स, जो हर व्यक्ति पर उसकी इंडिविजुअल फीचर्स के अनुसार अलग अलग तरह के सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो अगर आप सोरा को या मायाजम्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट को रिलीफ करने की रेमेडी देंगे तो आप समय समय पर अपने पेशेंट को रिलीफ तो देंगे, लेकिन लंबे समय में एनालाइज करने के बाद
आप हर इंडिविजुअल केस में देखेंगे कि उसकी बीमारी की अवस्था धीरे धीरे बढ़ ही रही है और आपने अभी तक बीमारी की जड़ पर वार नहीं किया है। डॉक्टर हैनिमन ने भी यही ऑब्जर्व किया। ये बात उनके लिए एक रहस्य की तरह थी क्योंकि एक्यूट डिसीज को ठीक करने में तो वो मास्टर थे, क्योंकि उन्होंने एक्यूट रेमेडीज काफी अच्छी तरह से प्रूफ कर रखी थी, एकोनाइट, फेलेडोना, आर्निका, चाइना, नक्स वोमिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सब एक्यूट मायाज़म और सोरा के एक्यूट मैनिफेस्टेशंस के लिए परफेक्टली सुटेबल भी साबित होती थी। लेकिन उस समय तक डॉक्टर हैनिमन ने ये नहीं जाना था कि एक्यूट मायाज़म स्ट्रिक्टली एक्यूट है। उनके ट्रीटमेंट में और क्रॉनिक मायाज़म के ट्रीटमेंट में बिल्कुल अलग अलग तरह के अप्रोच की जरूरत होगी। एक्यूट मायाज़म और क्रॉनिक मायाज़म के डिफरेंस को समझाते हुए डॉक्टर कैंट कहते हैं कि ओल्ड स्कूल के डिसीज क्लासिफिकेशन के अनुसार यदि कोई बीमारी 6 सप्ताह तक रहती है तो उसे एक्यूट कहा जाएगा, 6 से 8 सप्ताह के बीच रहती है तो उसे सब एक्यूट कहा जाएगा, और 3 महीने या उससे ज्यादा समय तक रहती है तो उसे क्रॉनिक कह दिया जाएगा। डॉक्टर कैंट ने यहाँ अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि एक्यूट मायाज़म को टाइम ड्यूरेशन के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, उन्हें उनके नेचर से पहचाना जाता है। तो क्या अंतर होता है एक्यूट और क्रॉनिक मायाज़म के नेचर में? एक्यूट मायाज़म दो तरह से पेशेंट पर अटैक कर सकते हैं। या तो वो इतने वॉयलेंट और ज्यादा इंटेंसिटी से अटैक करेंगे कि पेशेंट की डेथ का कारण बन जाए, या फिर थोड़ी कम इंटेंसिटी के साथ अटैक करेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि उनका एक प्रोग्रेस का पीरियड होगा और एक डिक्लाइन का पीरियड होगा। यही इनकी खासियत है, यही इनका पैटर्न है कि ये पेशेंट में हमेशा के लिए बने नहीं रह सकते। एक निश्चित समय के बाद ये खुद ब खुद धीमे पड़ने लगते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ये है एक्यूट मायाज़म की सही पहचान, उनका रियल नेचर। दूसरी तरफ क्रॉनिक मायाज़म का पीरियड ऑफ प्रोग्रेस तो होता है लेकिन रिकवर होने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, और यही बात इसे एक्यूट मायाज़म से अलग करती है कि बिना सही इलाज के ये कभी भी खुद ब खुद ठीक नहीं होंगे। यानी एक्यूट मायाज़म शुरुआत से ही एक्यूट होते हैं और क्रॉनिक मायाज़म शुरुआत से ही क्रॉनिक। डॉक्टर हैनिमन ने जब इस बात को जाना तब उन्हें समझ में आया कि क्यों क्रॉनिक डिसीजेस के केसेस में एक समय के बाद उनकी बेस्ट रेमेडी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाती, और क्यों कुछ सिम्टम्स एक निश्चित अंतराल के बाद पहले से ज्यादा गंभीर रूप में दोबारा वापस आ जाते हैं। उन्होंने जाना कि इसके पीछे का कारण होता है एक अंडरलाइन क्रॉनिक मायाज़म। तब उन्होंने इस क्रॉनिक मायाज़म के जैसा नेचर रखने वाली मेडिसिन की खोज शुरू की ड्रग प्रूविंग के थ्रू। कैसे? पहले तो उन्होंने क्रॉनिक डिसीजेस के सारे सिम्टम्स इकट्ठा किए, फिर उन्होंने उन्हें सीक्वेंस में जमाया, कौन सा सिम्टम पेशेंट में पहले अपीयर हुआ, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। इस तरह ऑब्जर्व करने पर उन्होंने पाया कि वो पेशेंट जो अब थायसिस से सफर कर रहे हैं, उन सब की पास्ट हिस्ट्री में बचपन में उन्हें एक वेसिकुलर इरप्शन हुआ था उंगलियों के बीच और पूरे शरीर में, जिसे सप्रेस किया गया था ऑइंटमेंट्स या लोशन लगाकर। यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि उस डिसीज के सप्रेशन और बाद में होने वाली डिसीज का क्या रिलेशन। डॉक्टर हैनिमन को इसका जवाब कुछ ऐसे मिला, जब उन्होंने अप्रोप्रिएट मायाज़मेटिक मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट किया तब उन्होंने देखा कि पेशेंट के जो सबसे रिसेंट सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले हील होते हैं और उनके ठीक होते ही पुराने सिम्टम्स उभर कर आते हैं और फिर वो भी हील होते हैं। और जब सबसे पुराना सिम्टम जिसे रॉन्ग ट्रीटमेंट से सप्रेस किया गया था, यानी वो वेसिकुलर इरप्शन, जब वो वापस आकर ठीक होता है तब पेशेंट पूरी तरह से क्योर होता है। इस इरप्शन के ठीक हो जाने के बाद और कोई पुराना सिम्टम अपीयर नहीं होता। यहाँ से पता चलता है कि इसके बाद के सारे सिम्टम्स की पहली कड़ी इसी वेसिकुलर इरप्शन का सप्रेशन है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको भी यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी और तब आप भी डॉक्टर हैनिमन की लाइन ऑफ थिंकिंग को समझ पाएंगे। अगर आपके ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स तो गायब हो गए लेकिन पुराने सिम्टम्स उभर कर नहीं आए, तो हम जानते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स सिर्फ पैलिएट हुए हैं, उसकी डिसीज को रोका गया है पर वो क्योर नहीं हुई है। ऐसे में पेशेंट भले ही आपसे कितना भी खुश हो और आपकी तारीफ करे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि ऐसे में आप उसे सावधान करें कि सिम्टम्स दोबारा रीअपियर हो सकते हैं। तो यदि आपका कोई पेशेंट इलाज के बाद आपके क्लिनिक में आता है और बताता है कि वो आपका कितना आभारी है कि आपने उसकी एपिलेप्सी या कोई और गंभीर बीमारी ठीक कर दी, लेकिन आपने देखा कि उसके सप्रेस्ड इरप्शंस वापस नहीं आए हैं, यानी उसकी बीमारी रिवर्स नहीं हुई है, तो बेहतर होगा कि आप अपने पेशेंट को सचेत कर दें कि अभी बीमारी पूरी तरह से गई नहीं है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि अगर उनके शरीर पर इरप्शंस आए तो कभी भी लोकल ऑइंटमेंट या लोशंस लगाकर उनसे छेड़छाड़ ना करें, बल्कि आप अपने पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री देखकर उसे पहले से सावधान कर सकते हैं कि किस सिम्टम के ठीक होने के बाद कौन सा सिम्टम वापस आ सकता है। और यदि ऐसा हो तो पेशेंट घबराए नहीं और उसे सप्रेस ना करें, क्योंकि पुराने सिम्टम्स तभी अच्छी तरह से रीअपियर हो पाएंगे जब हमारा लाइफ फोर्स और फिजिकल फोर्स फॉल्टी ट्रीटमेंट से डिस्टर्ब नहीं होगा, और तभी आप अपने पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। ये तो बात हुई सोरा के सिंपलेस्ट फॉर्म के केसेस की, जहां सोरा का ओरिजिन एक ही पेशेंट में ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन सोरा का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी होता है, जब सोरा पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट होता है। ऐसे केसेस में आपको रेयरली ही वेसिकुलर इरप्शंस का रीअपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सोरा को इनहेरिट किया है। लेकिन यदि सही ट्रीटमेंट दिया गया है और बच्चे की वाइटलिटी स्ट्रांग है तो इरप्शंस के दूसरे सिंपलर फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। तो यदि ऐसे पेशेंट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली बीमारी चल रही है तो करेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी के बाद स्किन पर विशेष अगले इरप्शंस का आना या कैटरल डिस्चार्जेस शुरू हो जाना ट्रीटमेंट के लिए एक गुड साइन है। और यदि इन्हें कोई दूसरी बीमारी समझकर दबाया जाएगा तो बीमारी फिर से अंदर की तरफ चली जाएगी और पेशेंट के इंटरनल मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स सफर करेंगे। इस तरह की प्रैक्टिस से जब हम मायाजम का इम्पोर्टेंस समझते हैं, सोरा को समझते हैं, बीमारी का रियल नेचर समझते हैं, तो हम इस बात का भी अनुमान लगा पाते हैं कि पेशेंट के हर तरह के कैटरल डिस्चार्जेस को सप्रेस करना कितना गलत है। प्रेजेंट डे के मेडिकल सिस्टम का शरीर पर आने वाले हर सिम्टम को बिना समझे उसे हटा देने की कोशिश करना कितना गलत है, पेशेंट की हेल्थ के लिए कितना घातक है। इस तरह के ट्रीटमेंट से ही तो सोरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है साल दर साल, जनरेशन टू जनरेशन, और वो ह्यूमंस की हर तरह की बीमारी का आधार बन जाती है। डॉक्टर हैनेमन के तरीके को ध्यान में रखकर हम आज के समय में भी सोरा की स्टडी कर सकते हैं, अपने केसेस की बैकवर्ड स्टडी करके और उसकी फॉरवर्ड प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करके, जिससे हम खुद जान सकते हैं कि सोरा बढ़कर किस तरह की मेंटल डिसीजेस पैदा करता है और किस तरह की फिजिकल डिसीजेस पैदा करता है। हम साफ तौर पर जान जाएंगे कि सो कॉल्ड ब्राइट्स डिसीज बीमारी नहीं है, बल्कि सोरा का किडनी में लोकलाइजेशन है। इसी तरह लिवर डिसीज, लंग्स डिसीज, हार्ट डिसीजेस, ब्रेन डिसीजेस, इन सब का ओरिजिन एक है। जब हम इन्हें इनकी शुरुआत से एंड तक स्टडी करेंगे तब हमें इनके इंटरनल कॉज और बिगिनिंग्स के बारे में क्लियर नॉलेज मिल जाएगा। तो हमने जाना कि सोरा की डिस्कवरी कैसे हुई, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए और पेशेंट में इसकी स्टडी कैसे की जा सकती है। लेकिन सोरा डिसीज ह्यूमन रेस में आई कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। अदरवाइज फिलॉसफी की दूसरे वीडियोस के लिए देखिए ये प्लेलिस्ट।